मंडलायुक्त की अध्यक्षता में कोरोना वायरस एवं रोकथाम संबंधी प्रशिक्षण मॉड्यूल का आयोजन एनएक्सी भवन के सभागार में किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा कि कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी है और बचाव ही इसका एकमात्र उपाय है। मंडलायुक्त ने कहा कि कोविड-19 से डरे नहीं, ना किसी को डराएं, सिर्फ सतर्क रहें। इसके लक्षण बुखार, जुकाम, खांसी एवं सांस लेने में कठिनाई है। इस अवसर पर मंडल के सभी जनपदों के 10-10 मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण किया गया है, ताकि प्रशिक्षित ट्रेनर अपने अपने जिलों के सभी वर्ग के लोगों को प्रशिक्षित कर सके कि कोरोना क्या है और क्या सावधानी बरतनी है। प्रशिक्षण में कोरोना से बचाव एवं रोकथाम को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई है। साथ ही मास्क का प्रयोग, आयुष मंत्रालय के महत्वपूर्ण सुझाव, आरोग्य सेतु ऐप के बारे में जानकारी दी गई है। मंडलायुक्त ने कहा कि हम सबको अपनी आदतों में बदलाव लाना होगा, तभी कोरोना की जंग को जीता जा सकता है। अर्थात मास्क पहनना अति आवश्यक है, इसके साथ ही स्वच्छता, सोशल डिस्टेंस पर विशेष ध्यान देना होगा। कोविड-19 एक संक्रमण जो सीधे अथवा संक्रमित व्यक्ति वस्तु के संपर्क में आने से फैलता है। इस अवसर पर जिलाधिकारी के विजय पांडियन ने मास्क का सही प्रयोग करने के संबंध में बताया कि घर से निकलते समय एवं कार्य करते समय 3 लेयर मास्क अथवा 3 तह गमछे का प्रयोग किया जाए। आंख, नाक एवं मुंह को ना छुएं। खांसते या छींकते समय मुंह एवं नाक को रुमाल अथवा टिश्यू से ढकें। अपने हाथों को साबुन से 40 सेकंड तक धोएं या सैनिटाइज करें। मुख्य विकास अधिकारी हर्षिता माथुर ने सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया तथा कहा कि मास्टर ट्रेनर अपने अपने जनपदों में जाकर कोरोना वायरस से बचाव एवं रोकथाम संबंधी जानकारी लोगों को दें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, अपने परिवार को कोरोना वायरस से कहीं ना कहीं बचाने का पूरा प्रयास करें। आपकी अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो आप फैला सकते हो, लेकिन आप में लक्षण नहीं दिखेंगे। सिर्फ सेंसिटिव कौन से हैं? जो बुजुर्ग हैं 50 साल के ऊपर, ऐसे 60 साल है नहीं, प्रिकॉशनरी 50 साल हमें लेके चलना चाहिए। जो 10 साल से नीचे बच्चे हैं और जो गर्भवती महिलाएं और जिनमें इम्यूनिटी कम, उनको लक्षण तुरंत दीप हो जाते हैं जैसे उनके अंदर वायरस आता है। तो प्रिकॉशनरी हर आदमी ये मान के चले कि बगल वाले में वायरस हो सकता है, उससे बचाव के लिए हमें अपने उपाय करने हैं और उसको भी प्रेरित करना है कि वो भी अपना उपाय करे कि हम पे वायरस ना आए। ठीक है, मेन इसका उद्देश्य यही है। 10 साल के नीचे गर्भवती महिलाएं और वो लोग जिनको हार्ट की बीमारी हो, चाहे उनको शुगर की बीमारी हो, चाहे उनको तो ऐसे लोगों में जल्दी ये वायरस फैलने के खतरे बने रहते हैं। और ना ही हमें हो गया तो हम डरना है, कोई ट्रीटमेंट हम नहीं करते हैं। सिर्फ हम 12 दिन तक एक रेलवे हॉस्पिटल में ले जाके 40 लोगों को हमने रख दिया है, कोई दवा नहीं देते हम, कुछ भी नहीं। सिर्फ बंधन ना फैले या कोई स्वस्थ व्यक्ति हो, संक्रमित ना हो, ये हमारी आपकी जिम्मेदारियां बनती है। पाकिस्तान सर ने डॉक्टर है,
लिए कोशिश ये करिए कि जब आप इस पीपीटी को पढ़ रहे हैं तो इसको अपने एकेडमिक रिसोर्स मटेरियल के रूप में देखें, ना कि इस रूप में कि एक पीपीटी है जैसे खत्म होगी हम लोग घर जाएंगे। इसको कोशिश करें कि आप ये देखें कि हाँ, अगर ये स्लाइड मुझे पढ़ानी होगी तो मैं इसको कैसे पढ़ाऊँगा लोगों को या पढ़ाऊँगी। अभी जैसे हमने इसमें दो तीन वीडियोज भी डाले हैं जिसमें करेक्ट वे है हाथ धोने का, या करेक्ट अभी हम लोग सब लोग ये जानते हैं कि हाथ धोना है, बार बार धोना है, 30 सेकंड तक धोना है, पर कई लोगों को ये नहीं पता कि एक्चुअली क्यों धोना है, कैसे धोना है और क्या क्या ध्यान रखना है धोते हुए। ऐसे ही मास्क हो गया, हम लोग को अभी भी आदत है, अभी भी आप लोग देखेंगे, मुझे देखेंगे या कई सारे जो मेरा फैमिली फ्रेंड है आपके आस पास में देखेंगे, हम लोग मास्क पहनते हैं। अब उसके बाद उस मास्क को एडजस्ट करना है, नहीं करना है, अगर उतारना है तो किधर से पकड़ना है, कौन से भाग से पकड़ना है और उतारने के बाद कैसे क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें इसमें प्रैक्टिकल लगी है। जिसमें मेरा अनुभव ये रहेगा कि आप लोग इस चीज़ को पिकअप कर लें कि हाँ, मैं इस चीज़ को वहाँ पे चाहे तो मैं डेमोन्स्ट्रेट कर दूँगा या मैं इसको दिखा दूँगी या मैं करके दिखा दूँ, या कोशिश करें कि जब ये पीपीटी चल रही है आपके सामने तो आप अपने आइडियाज़ में बनाते रहें और पार्टिसिपेट करें थोड़ा, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि ट्रेनिंग्स कैन गेट वेरी बोरिंग। कई बार ये होता है क्योंकि अगर एक तरफ से डायलॉग चलता रहेगा तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे और आपको भी लगेगा कि कोरोना के बारे में सारी सूचनाएं तो हमें पहले से थी। अगर आप लोग इंटरेक्ट करेंगे तो हो सकता है आपके कुछ सवाल आए जिससे कि हम लोग भी आगे वर्क करें और उस पर वर्कआउट करके फिर आप लोगों को एक अच्छा सोल्यूशन दें। कई चीज़ें जैसे एक मैं उदाहरण की हमारे कमिश्नर सर को मैं गोरखपुर में सर का कहना है जैसे गमछे के बारे में उनके पास लोगों के सवाल आते थे कि सर मास्क भी पहन सकते हैं, गमछा भी पहन सकते हैं, तो वो एक सिंपल सा टेस्ट बताते समझता आदमी बताए कि ट्रेनिंग में कि अगर आपने गमछे को बांधा है और उसको फूंक के आप उसे मोमबत्ती बुझा लेते हैं तो आपने गमछा पर्याप्त सुरक्षा आपके गमछे से नहीं होगी, तीन लेयर का गमछा बांधिए तब होगा। तो इस तरीके के जब आप इंटरेस्टिंग अगर कुछ एनेक्डोट्स हो आपके पास, कुछ इंटरेस्टिंग ऐसे सवाल हो जो आपके फील्ड में आपसे पूछे गए हो या आप लोगों ने सोचे हो, कभी कभी अपने मन में भी आता है कि मेरे जूते पर वायरस है, मेरे बालों में वायरस है या क्या है, उस तरह के अगर कोई सवाल हो तो वो भी आप लोग पोस्ट करते जाइए बीच बीच में, तभी आप सब डॉक्टर्स की टीम है, WHO के पार्टनर्स की टीम है, ये लोग आपके जितने भी सवाल होंगे कोशिश हमारी भरपूर रहेगी कि हम सबका जवाब आपको। थैंक यू। कई घरों में ऑस्थमेटिक पेशेंट हैं जो गंभीर रूप से पेशेंट हैं क्योंकि परमानेंट दवाएं चलती हैं और डॉक्टर का विकासों से आता है कभी इन विषय के रखते हैं कि इलाज कर देते हैं, तो ऐसे स्थिति में क्या करें? कहाँ है आप? मैडम मेरा ये देखिए कि आपने बहुत अच्छा बिल्कुल रेस किया है और मेरा एक आप तो किस पद पे हैं कहाँ से? सर मैं जूनियर इंजीनियर में डिवीजन सर। मेरा एडवाइस आप लोगों को यही रहेगा कि अगर कोई भी ऐसा केस आता है जिसमें कोई मेडिकल कंडीशन इन्वॉल्व है तो उसमें आपका सीधा सीधा परामर्श यही होना चाहिए कि कोई ऐसा अगर कोई केस है तो वो डॉक्टर से अपनी सलाह लें कि आगे हमारे घर पे हैं, उनके पास इंस्ट्रूमेंट भी है, ओपी को कर रहे हैं, क्योंकि बीमार हैं तो कोरोना टेस्ट की आवश्यकता नहीं क्योंकि वो किसी के संपर्क में बाहर ही है। अब आज की तारीख में सिर्फ हमारे ऐसे मरीजों के लिए चेकअप की सुविधा सिर्फ जिला का है, तो वो जिला चिकित्सालय में जाके दिखा सकते हैं प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हुए, मतलब मास्क पहने रहे, बहुत लोगों को साथ में ना लेना है, जाए तो हाथ धो के जाए, वहां से निकलने के बाद हाथ फिर तुरंत धो ले, क्योंकि अगर दिखाने के समय भी वहाँ कोई वायरस होगा और जस्ट दिखा के उन्होंने हाथ धो लिया तो वायरस अपने आप मर जाए, ठीक है, कोरोना टेस्ट की आवश्यकता नहीं है, उसे दिखाने की आवश्यकता है तो जिला चिकित्सालय या PRT में जाकर वो दिखा ले, लेकिन दिखाने के पहले और दिखाने के तुरंत बाद उसको प्रॉपर रीने हैंड वॉश अवश्य करके और मास्क वास्क पहन के जाए, ठीक है, कोरोना टेस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोरोना टेस्ट सिर्फ और सिर्फ हम तब करते हैं सिम्टम्स हैं लेकिन उनका संपर्क ना तो बाहर वालों से ना कोरोना पॉजिटिव से ऐसे लोगों से नहीं है तो उनको टेस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सिर्फ हम उनका ट्रीटमेंट उसको किसी में आपको प्राइवेट हॉस्पिटल भी हमने इमरजेंसी सेवाओं के लिए खोल दिया है। यदि डोरियों वाला मास्क है तो पहले ऊपर वाली डोरियां बांधें, मास्क के इस्तेमाल के समय तीन चीजों का ध्यान रखें, कभी भी मास्क की बाहरी सतह को न छुएं, यदि गलती से छू जाता है तो हाथों को साबुन पानी या अल्कोहल रब से धो लें, मास्क को गर्दन में
नीचे वाली डोरियों को पहले खोलें। मास्क की बाहरी सतह को ना छुएं, क्योंकि उसके संक्रमित होने का खतरा है। मास्क निकालने के तुरंत बाद बंद ढक्कन के पीले बिन में डालें। हाथों को साबुन पानी या अल्कोहल रब से धो लें। याद रखें, सिंगल यूज मास्क को दोबारा नहीं पहना जाता है। जो डॉक्टर लोग और नर्स लोग इस्तेमाल करते हैं, हो सकता है आप लोगों से किसी ने कोई लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, जो हम लोग कपड़े में बना हुआ जो घर में बनता है, ज़्यादातर लोग यही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो हम देखिए आपके आप जिसको सिखाने जा रहे हो वो नॉर्मल पब्लिक है। नॉर्मल पब्लिक ये इस्तेमाल नहीं करती। नॉर्मल पब्लिक इस तरह के इस्तेमाल करती है जो कपड़े का बना हुआ, जिसमें दो तरह के मान लीजिए दोनों तरीका नहीं है तो हम लोग जैसे लड़के लोग गमछा इस्तेमाल कर लेते हैं, लड़के लोग दुपट्टा इस्तेमाल कर लेते हैं। इस तो तीन तरह के होते हैं, जो तीन तरह को इस्तेमाल करना है का हम लोग देख ले। कोरोना वायरस यहाँ से निकला, हवा से गया, आपको पहुँच गया, समझ में आया? ये एयरबॉर्न नहीं है कि मेरा मुँह से निकला, हवा में गया, आपके अंदर चला गया। देखिए मान लीजिए मेरे अंदर कोरोना वायरस है, मुझे छींक हो रहा है, खांसी हो रहा है, मैं छींकूंगा खांसूंगा तो जो पानी निकलता ड्रॉपलेट वो बाहर आएगा, उससे आपको खतरा है, संक्रमित आप वैसे ही होंगे। जो मेरे अंदर खांसी निकलेगा या नाक से पानी निकल रहा है या छींक आ रहा है, उसमें जो बूंदा बूंदा होकर निकलेगा उसी से ही आप संक्रमित होंगे। ऐसा नहीं कि वायरस मेरा मुँह से नाक से निकल गया, हवा में गया, आपको वहाँ कर लेगा। पहला चीज़ समझ गए। अब दूसरा चीज समझिए, मास्क पहनने का क्यों जरूरत है। अब ये जो बूंदा बूंदा निकल रहा है, चाहे वो छींक के वजह से हो या खांसी के वजह से हो, तो ये क्या होता है ना, ये ऐसा जाता है, ऊपर थोड़ा जाता है फिर नीचे गिरता है, प्रोजेक्टाइल मोशन, समझ रहे होंगे? ये ऊपर जाता है नीचे गिरता है, तो मैक्सिमम ये देखा जाता है कि ये 1 से 2 फुट तक दिया जाता है। अब समझ में आया, 2 फुट की दूरी क्यों? क्यों कि मान लीजिए, क्योंकि जैसे इतना बताया कि यार सिंक्रोमेटिक हो सकता है कि मेरे अंदर अभी हो, मुझे पता नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मान लीजिए गलती से मैंने मास्क नहीं पहना, मैंने बात कर लिया या छींक आ गया, तो वो जो पानी का बूंदा आएगा या खांसी के वजह से आएगा तो वो ऊपर जाके नीचे गिर जाएगा 2 फुट के अंदर, जनरली 1 फुट रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि 2 फुट की दूरियाँ बनाने के लिए, समझ में आया? ये जो फोल्ड हो रहा है ना, ये नीचे की तरफ होना चाहिए, वरना क्या, अगर आप उल्टा पहन लेंगे तो आपका जो सिक्रेशन मुंह से निकलेगा ये इसके अंदर जमा हो जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि आप मास्क का सीधा उल्टा पहन सा लग रहा है तो ये जो फोल्ड हो रहा है ये बाहर की तरफ रहेगा, और ये जो फोल्ड का डिरेक्शन है वो नीचे की तरफ रहेगा। आप समझ में आया कि मास्क को कैसे पकड़ेंगे आप लोग? ठीक, तो आप अब समझ लें कि मास्क तो ये आगे सामने वाला हिस्सा है और ये पीछे वाला हिस्सा है, ये समझ में आ गया सबको? तो सामने वाले हम लोग कैसे पहचानेंगे? पहला, फोल्डिंग बाहर की तरफ होगा, दूसरा फोल्डिंग नीचे की तरफ होगा, तो ये आपका ऊपर वाला हिस्सा होगा। कुछ कुछ मास्क में जैसे आप लोग N95 पहने या फिर कुछ इस तरह का मास्क, यहाँ लोहे की पट्टी होता है, लोहे की पट्टी है मतलब वो ऊपर तरफ रहेगा, समझ में आया? ठीक, अब आपको समझ, अब पकड़ना कैसे मास्क को? मास्क को जैसे आप लोगों ने वीडियो में देखा है, बाहरी जनरली क्या होता है ना, हम लोग ऐसे ले लेते हैं, ऐसा नहीं लेना है। क्यों? मान लीजिए कोई हमारे साथ बाहर से खांसा है या हम लोग संक्रमित हुए, तो ये वाला हिस्सा ही संक्रमित हुआ होगा, तो इसको ऐसे नहीं पकड़ना है। पकड़ना कैसे है? ये जो इलास्टिक दिया है, आप लोग घर में इस्तेमाल करते हैं लेस, समझ में आया? ये लेस से पकड़ना है, कभी ना ऐसे पकड़ना है ना ऐसे पकड़ना है, तो हमेशा हमको लेस से पकड़ना है। पकड़ने के बाद क्या करना है? इसको ऐसे, ये देखिए मुंह और आंख नाक को बंद करते हुए उसको ऐसे लगाना है। कुछ लोग हम लोग क्या करते हैं, ऐसे पहन लेते हैं थोड़ी देर बाद, ये बहुत गलत है। अगर आप ऐसे पहन लिए तो कोई फायदा नहीं हुआ मास्क पहनने का, तो हम लोग इसको ऐसे करते हैं और फिर
प्लास्टिक पकड़ा, उसको नाक को बंद किया, फिर उसको सेट किया। समझ में आया? मैं कौन सा वाला निकालूंगा, कौन सा वाला निकालूंगा? नीचे वाला, नीचे वाला पहले मैंने लेस खोल दिया, ठीक। उसके बाद क्या आप लोगों को ध्यान देना है, मतलब ये वाला जो आगे उल्टा वाला, ये दोनों चीजों को आप लोगों को साफ करना है। ये उल्टा है, ये वाला जो हिस्सा है आपको अपने अंगूठे के अंदर लेना है, और अंगूठे के अंदर लेके आप लोगों को दो चीजों को जल्दी ध्यान कहते हैं, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस,
ये सारे जो सांस संबंधित बीमारियाँ खासतौर पर ये इसी ट्रैक का अफेक्ट करता है हमेशा, जो ये कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस का नाम इसलिए है, क्रोन मतलब मुकुट है, जो वायरस देखने में लगता है मुकुट पहना हुआ है, इसलिए तो कोरोना उसका नाम पड़ता है। उसको मुकुट ही उसका खतरनाक चीज है ताकि वो जल्दी फिक्स हो जाता है किसी चीज़। शरीर के बाहर रहता है जो वायरस है, वायरस बहुत अजीब का एक कीटाणु है। बैक्टीरिया मतलब मान लीजिए बैक्टीरिया शरीर का बाहर जाता तो अपने आप मर जाता है, वायरस एक चीज होता है वो बाहर जाने के बाद सालों साल जिंदा रख सकता है। जिंदा क्या है, क्रिस्टल हो जाता है, मतलब पत्थर जैसे पड़ा रहता है, तो शरीर का अंदर घुस जाता है फिर जीवन हो जाता है उसका अंदर। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए कहते हैं उसको, अंदर आने के बाद फिर तो कैसे अपने रेप्लिकेट करना, कैसे अपने वृद्धि करना वो जानती है, किस इलाके में जाकर के फिक्स होना है, फिर कैसे उसको होस्ट को यानी जो फोन उसका कैरी करता है उसको कैसे नष्ट करके फिर अपने प्रजाने जब बढ़ाना है वो जानती है। तो वायरस आज नहीं है, काफ़ी समय से हम लोग के साथ ही है। एंड देखिए तो हम लोग मनुष्य है, हम लोग का डीएनए में भी बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया पहले से गुजर रहा है। हम एक आदमी आदमी कह रहे हैं तो हम अकेले आदमी नहीं है, लाखों अरबों अरबों में वायरस का डीएनए डीएनए सब हम लोग के अंदर ही है शरीर के अंदर। अब ये है इसको कैसे लड़ना है, क्या करना है, ये देखिए कोरोना का अब तक इलाज नहीं है, नजदीक में इलाज मिलेगा भी नहीं। जो भी जो कीटाणु आता है बीमारी आता है हम लोगों को सीख देके जाता है। जो याद करें 15-20 साल पहले एम्स का जो पहले प्रकोप हुआ था, अभी याद होगा प्रताचंद पूरा जू करके, तो इसमें कैसे कैसे वो एड्स फैलता है, एड्स से कैसे रोकथाम कर सकते हैं, उसी के कुछ चीज़ हम लोग लाइफ स्टाइल में हम लोग लाए, तो कैसे सेफ सेक्स है, कैसे जो करना है, तमाम चीज़ जो सरकार ने बताया, मान लीजिए ब्लड टेस्ट के पहले जांच होनी है, और ताकि उस समय में जो किसी तरह की स्थिति से नहीं चलता नहीं, बट कुछ चीज़ जो उन्होंने उस समय में सरकार ने बताया उसको हम लोग लाइफ में लाए हैं, वो हमारा पार्ट ऑफ लाइफ हो गया, इसलिए वो बीमारी धीरे धीरे खत्म हो गया। दूसरा वो देखिए एड्स का अभी भी वैक्सीनेशन हम लोग हाथ में नहीं है, बट एड्स यदि किसी आदमी का शरीर के अंदर आ जाता है वो आदमी का आराम से बचा सकते हैं, उसी के हिसाब से दवाएं हम लोगों के पास कहते हैं एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी है, बहुत सारे कोर्स आ गया। वैसे बहुत जानलेवा बीमारी पहले भी था वायरस का, बहुत सारे अब वायरस बैक्टीरिया का फर्क क्या है, बैक्टीरिया थोड़ा आसानी से काबू में आ जाता है, वायरस का काबू करना बहुत मुश्किल, वायरस से बचाना ही एक उपाय है। इसके लिए ये सारे चीज बताया जा रहा है, मास्क के लिए बहुत सारे लोग प्रश्न उठाए हैं। देखिए ये वायरस है जो किसी ने बताया था ये पूरा ट्रैक में रहता है, यानी नाक से लेके आपका लंग का पूरा फेफड़े में भरा रहता है। अब कितने जो वायरल लोड होता है, वायरल लोड मतलब मान लीजिए एक आदमी के शरीर के अंदर 1% केवल वायरस है वो आराम से घट के आ जाएगा वहाँ, यदि मान लीजिए किसी के 20% वो भी यदि उनका इम्यूनिटी अच्छा है तो लड़ लेता है, यदि मान लीजिए कोई कमजोर आदमी है उनके पास वायरल लोड भी जा रहा है तो उनको बचाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सरकार बार बार कह रही है, खासतौर पर 60 साल के ऊपर है, किसी के बीपी शुगर है, क्रॉनिक इल है, उनको इसी से बहुत बचाना होगा। खासतौर पर मान छोटे बच्चे हैं, नहीं तो गर्भवती महिला होता है वो पहले ही कमजोर होते हैं, ताकि वो उनका सिस्टम दूसरे तरीके से चलता है, मामूली आदमी से थोड़ा कमजोर हो जाता है। इसलिए तो बार बार कहती है सेगमेंट में बहुत वल्नरेबल सेगमेंट है, हमारा कर्मचारी में भी 50+ होंगे, 90+ वो लेवल ऑफ एक्सपोजर के हिसाब से जरूरत है। मान लीजिए हम यदि मान लीजिए हम भी तो दो रखा हूँ, ये तो तब मामूली तौर से एक मैं पहनता हूँ, कहीं मरीज के साथ में जाता हूँ मिलता हूँ तो मैं N95 पहनता हूँ, तो आपका एक्सपोजर के हिसाब से आपको जरूरत पड़ता है। N95 हमेशा पहनने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मास्क N95 पहनने में क्या है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ज़्यादा इनहेल करेंगे आपको नुकसान भी कर सकते हैं, इसलिए तो वो किस समय में क्या पहनना है उसी का पहन लीजिए, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। आपका लगता है एक्सपोजर आप मान लीजिए हाँ ये तो मरीज के साथ मिलना अच्छा है, मरीज के साथ जाना है, नहीं तो डॉक्टर जैसे काम करना है, उसके समय में तो आप N95 पहनिए, उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं, 5 N95 रख लेंगे तो उसके एक बार प्रयोग करने के बाद बाहर टांगेंगे तो फिर उसमें 2-3-4 दिन बाहर टांगने दीजिए, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं। मान लो नॉर्मल डिस्पोजल वाले डिस्पोज कर दीजिए, इसका नाम डिस्पोजल मास्क इसलिए रखा है, 6-7 घंटे के बाद ताकि आपका सलाइवा में भी बैक्टीरिया होता है वो उसी से इंट्रैक्शन करके तो बहुत थोड़ा बदबू आ जाता है, फिर तो बैक्टीरिया रिएक्ट हो जाता है, इसलिए तो एडवाइस करते हैं उसको फेंकने के लिए, फेंकने भी ढंग से डिस्पोज करिए, ऐसा नहीं तो कूड़ा में फेंक दें फिर तो उसका बाहर आकर के वो हो जाए, उसको तो यदि फेंकना है तो उसको इस पर हाइपोक्लोरिक सॉल्यूशन में डिप करके फिर इधर इंसिनरेट करा दीजिए, नहीं तो एक तरफ थोड़ा ध्यान में रख करके नगनी वाले दे दीजिएगा,
ताकि ये वेस्ट डिस्पोजल हम लोग मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल के साथ से कराते हैं, ताकि ये नॉर्मली नॉर्मल चीज के साथ नहीं जाता है। ये इसलिए तो बार बार कह रहे थे कि आपने बताया था 3 घंटे तो ये हवा में रहता है, उसके बाद बाहर आने के बाद फाइल में भी टिक सकता है, 2-3 दिन वो फाइल में रहता है। मान लीजिए कोई आदमी जो आदतन जो है वो जो शनिवार करके जो पेपर को पढ़ते हैं वो आदत होता है, उससे भी आ सकता है। गोवा में ऐसे ही केस हो गया, एक फाइल ने 17 लोग को दिला दिया, वो भी तो सीनियर IAS ऑफिसर है। आपने तब की ये ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया गया, उनको जिन जिन बातों की जानकारी होनी चाहिए लगभग लगभग सभी जानकारी ये प्रदान करता है। इससे पहले कि मैं 2-3 चीज़ें कहूँ, मैं जानना चाहूँगा कि बाकी 3 जनपदों से यहाँ पर कम 30 मास्टर ट्रेनर हैं। यदि कोई भी मास्टर ट्रेनर इसलिए यहाँ पर आया है क्योंकि जिलाधिकारी ने आदेशित कर दिया है, लेकिन वो उनको लगता है कि वो काम करने में सक्षम नहीं है, वो कृपा करके सीनियर गोरखपुर मैम को नाम नोट करा देंगे, हम जिलाधिकारी से बात करके आपका नाम लगवा देंगे। इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में मास्टर ट्रेनर उसी को बनना है जो दिल से इसकी महत्व को समझता है। यदि आप मुझसे पूछें ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग उतनी ही इम्पोर्टेंट है, उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कोविड फैसिलिटी में किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट है। आज मेरे मंडल में 4 जनपद हैं, लगभग इनकी पॉपुलेशन 1,60,00,000 के आसपास है, क्योंकि अभी 2019 की हम देखें और लगभग हमारे यहाँ संक्रमण की यदि संख्या देखें तो लगभग टोटल हमारे यहाँ 170 लोग संक्रमित हुए चार लोग, और इन 170 में ज़्यादातर संक्रमण का कारण जो था वो बाहर से आए लोग थे। यदि आप देखें कि 1,60,000 में 170 संक्रमित, अभी तक का डेटा बताता है लगभग 40 डिस्चार्ज हुए हैं, 8 की डेथ हुई है, 8 में से 6 डेड बॉडी बाहर से आई है, तो 2 या 3 डेथ हमारी फैसिलिटी में हुई और बाकी लोगों का इलाज चल रहा है, अभी रूप में उनको भी डिस्चार्ज किया जाएगा। और हम आशा करते हैं कि यही आपको 3 नई फैसिलिटी हुई है वहाँ पर भी। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि एक भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जब मैं ये कहता हूँ कि भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, मैं ये भी कहता हूँ कि थोड़ा भय जरूरी है, क्योंकि थोड़ा भय नहीं होगा तो हम एक ह्यूमन नेचर होता है, मानवीय प्रकृति होती है कि हम चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। मैंने आज भी देखा कि उनको मास्क का ये पोर्शन जो सामने वाला पोर्शन है उसको टच करते हैं, जैसे कि ये महोदय भी बोल रहे थे उसको नीचे करना है, ये जो पोर्शन है यही सबसे ज़्यादा आपका जो भी कंटामिनेशन हो रहा है आपके इस पोर्शन हो रहा है, आपने इसको टच किया, इसके बाद इसको टच किया, इसके बाद इसको टच किया, इसके बाद इसको टच किया और आपने संक्रमण करा। इस लेवल की संवेदना चाहिए कि आप इस लेवल पर सोच सकें और देख सकें बिना माइक्रोस्कोप के वायरस कैसे मूव कर रहा है। आपका मास्क यहाँ से यहाँ तक का पूरा होना चाहिए, कुछ लोगों ने पट्टियाँ पहनना शुरू की है लेकिन बहुत कुछ नहीं, नाक भी कवर करनी चाहिए, PM साहब ने बहुत ही डिटेल में बता दिया है, उन्होंने बिल्कुल एक एक्सपर्ट की तरह पूरी डिटेल में, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मास्क बहुत जरूरी चीज़ है। एक बार आप घर से बाहर निकले इसमें क्वेश्चन मत करिए कि मैं यहाँ बैठा हूँ वहाँ बैठा हूँ गाड़ी पर हूँ अकेले हूँ, आप गाड़ी पर जा रहे हैं गाड़ी रुक गई आपके बगल में आपकी गाड़ी खड़ी होगी उसमें भी मास्क नहीं पहना है। मास्क का पर्पज़ क्या है? मास्क का पर्पज़ ये है आई प्रोटेक्ट यू, यू प्रोटेक्ट मी, मतलब मेरा जो भी संक्रमण है वो आप तक नहीं जाएगा और आपका संक्रमण मेरे तक नहीं आएगा। अब आप कहेंगे मैं तो संक्रमित नहीं हूँ, ऐसा आपको लगता है? कोरोना फैमिली जैसा कि डीएम साहब भी बता रहे थे एक बहुत बड़ी फैमिली है, कई वायरस ऐसे जिसका हमें पता ही नहीं और ये बहुत ही नया वायरस है, इसलिए इसे नोवल भी कहते हैं, नोवल कोरोना वायरस, इसकी अभी भी स्टडी चल रही है। इसलिए बहुत जरूरी है कि नाक से लेकर ये तक जब तक हम बाहर हैं इसको ढक के रखें बार बार छुएं, और इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, ये आपकी सुरक्षा के लिए है। यदि दूसरा व्यक्ति नहीं पहना है आपको टोकना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये इसलिए मैं आपसे बारंबार कह रहा हूँ कि मास्टर ट्रेनर का ये व्यवहार खुद मॉडल नहीं होगा, खुद आइडियल नहीं होगा, खुद आदर्श नहीं होगा, आप 25 लोगों को सिखाएंगे, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इन चीज़ों को आप गंभीरता से समझें। ये कुछ लोगों में ये भी सोच है, कुछ लोगों ने ये भी सोच है कि नहीं ये हमें नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। इम्यूनिटी अच्छी होने का मतलब ये नहीं कि जो 6.5 फिट का है उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी और मेरी इम्यूनिटी कम होगी,
इम्यूनिटी का मतलब शरीर, हो सकता है कोई व्यक्ति बड़ा स्वस्थ दिख रहा हो पर हो सकता है उसकी इम्यूनिटी बड़ी वीक हो, और इसलिए जो है इम्यूनिटी अन आपकी फूड हैबिट्स और आपकी जीवन शैली से होती है। सिर्फ बादाम खाने से नहीं होगा, आपको जो डीएम साहब बोल रहे थे 30 से 1 घंटा आपको कुछ भी करें, वॉक करें, दौड़े, जो भी करना है करें। ये कोरोना वायरस जो है जीवन शैली में ऐसे मूलभूत परिवर्तन करने जा रहा है जो आपको लॉन्ग रन में बहुत लाभ कर रहे हैं। स्वच्छता, डिस्टेंसिंग, कोई भी चीज़ मिल रही है, लिफ्ट खुल रही है, बस में जा रहे हैं, ऑटो में बैठ रहे हैं, इन चीज़ों को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कहीं कहीं को बड़ा मुश्किल होता है, तो मास्क अपना बिल्कुल इसीलिए कहा गया है इसको लगा कर। देखिए, प्रयास ये किया जा रहा है कि हम लोग जो है अपने कमिश्नरी में जो भी जनमानस है, विभिन्न वर्ग संवर्ग हैं, इनको हम कोरोना से आए हुए प्रकोप से कैसे हम बच सकें इसके लिए तैयार करना है, और उस तैयारी में सबसे ज़्यादा योगदान कैपेसिटी बिल्डिंग का है, प्रशिक्षण का है। और प्रयास ये किया जा रहा है यहाँ पर डीएम और सीडीओ गोरखपुर के सहयोग से कि हम तीनों जनपदों की टीम मास्टर ट्रेनर को ट्रेन करें, और इसमें सारे वर्ग हैं, बस चालक हैं, ऑटो चालक हैं, सब्जी वाले हैं, नाई हैं, मोची है, ये जितने आपको लोग दिखते हैं, ठेला खुमचा लगाने वाले लोग हैं, स्कूल के टीचर हैं, सरकारी कार्मिक हैं, प्राइवेट सेक्टर के कार्मिक हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, होटल वाले हैं, मूवी हॉल वाले हैं, कपड़े के व्यवसायी हैं, इन सबको हम बता सकें कम से कम शब्दों में कि उनको क्या ध्यान रखना है और किन चीज़ों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, बचने की आवश्यकता है। और यही एक प्रयास है, आशा करते हैं कि जिलाधिकारियों के सहयोग से हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें कवर कर पाएंगे और उनके जीवन शैली में जो आवश्यक परिवर्तन लाने हैं उनको हम ला पाएंगे।